तर्पण पितृयज्ञो, तर्पण का फल। एकैकस्य तिलैर्मिश्रास्त्रीन दध्या जलांजलीन यावत् जीव कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। यानी एक एक पितर को तिल मिश्रित जल की तीन तीन अंजलियां प्रदान करें। इस प्रकार तर्पण करने से जन्म से आरंभ कर तर्पण के दिन तक किए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। तर्पण न करने से प्रत्यवाय यानी पाप। ब्रह्मादि देव एवं पितृगण तर्पण न करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान करते हैं, अर्थात तर्पण न करने के पाप से शरीर का रक्त शोषण होता है। अतर्पिता शरीरा द्रुधिरम पिबंती। इससे यह सिद्ध होता है कि गृहस्थ मानव को प्रतिदिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण के योग्य पात्र। सोना, चांदी, तांबा, कांसा का पात्र पितरों के तर्पण में प्रशस्त माना गया है। मिट्टी तथा लोहे का पात्र सर्वथा वर्जित है। तिल तर्पण का निषेध। सप्तमी एवं रविवार को घर में जन्मदिन में दास, पुत्र और स्त्री की कामना वाला मनुष्य तिल से तर्पण ना करे। नंदा यानी प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि शुक्रवार, कृतिका, मघा एवं भरणी नक्षत्र रविवार तथा गजच्छाया योग में तिल मिले जल से कदापि तर्पण ना करें। कुशा के अग्रभाग से देवताओं का, मध्य से मनुष्यों का और मूल तथा अग्रभाग से पितरों का तर्पण करें। घर में ग्रहण में पितृश्राद्ध में व्यतिपात योग में अमावस्या तथा संक्रांति के दिन निषेध होने पर भी तिल से तर्पण करें, किंतु अन्य दिनों में घर में तिल से तर्पण ना करें। पेज नंबर 89। तर्पण प्रयोग विधि। गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिल लगाकर प्रथम दाहिनी अनामिका के मध्य पोर में दो कुशों और बाईं अनामिका में तीन कुशों की पवित्री धारण कर लें। फिर हाथ में त्रिकुश, यव, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प पढ़ें। ओम अद्यश्रुति स्मृति पुराणोक्तो फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। पृष्ठ 5 के अनुसार संकल्प करें। तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में पृष्ठ संख्या 5 पर आप संकल्प को देख लें। आवाहन। इसके बाद तांबे के पात्र में जल और चावल डालकर त्रिकुश को पूर्वाग्र रखकर उस पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर देव ऋषियों का आवाहन करें। आवाहन मंत्र है। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदर वर्तिनः। नंबर 1 देव तर्पण विधि। देव तथा ऋषि तर्पण में नंबर 1 पूर्व दिशा की ओर मुंह करें। नंबर 2 जनेऊ को शव्य रखें। नंबर 3 दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठें। नंबर 4 अर्घ्य पात्र में चावल छोड़ें। नंबर 5 तीनों कुशों को पूर्व की ओर अग्रभाग कर रखें। नंबर 6 जल की अंजलि एक एक हो। नंबर 7 देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दें। देव तीर्थ का चित्र पृष्ठ संख्या 44 में देखें। तो हम 44 में देख लेते हैं देव तीर्थ का चित्र, ठीक है। ये देखिए, ये देव तीर्थ है, ये पितृ तीर्थ है, ये अग्नि तीर्थ है, ये काय तीर्थ है और ये ब्रह्म तीर्थ है। तो यहाँ से देव तीर्थ के लिए यहाँ से आपको देना है। ये देखिए देव तीर्थ का चित्र पृष्ठ संख्या 44 में देखें। जलांजलि को सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन में डालें। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ की शींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि दें। निम्नलिखित प्रत्येक नाम मंत्र के बाद तृप्यताम कहकर एक एक अंजलि जल देते जाए। श्लोक है। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यंताम, ओम छंदांसी तृप्यंताम, ओम वेदास्तृप्यंताम, ओम ऋषेस्तृप्यंताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यंताम, ओम गंधर्वास्तृप्यंताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यंताम, ओम संवत्सरः सावयस्
तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यंताम, ओम अप्सरासस्तृप्यंताम, ओम देवानुगास्तृप्यंताम, ओम नागास्तृप्यंताम, ओम सागरास्तृप्यंताम, ओम पर्वतास्तृप्यंताम, ओम सरितस्तृप्यंताम, ओम मनुष्यास्तृप्यंताम, ओम यक्षास्तृप्यंताम, ओम रक्षांसीस्तृप्यंताम, ओम पिशाचास्तृप्यंताम, ओम सुवर्णास्तृप्यंताम, ओम भूतानि तृप्यंताम, ओम पशवस्तृप्यंताम, ओम वनस्पतेस्तृप्यंताम, ओम औषधेस्तृप्यंताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्भिधस्तृप्यंताम। नंबर दो, ऋषि तर्पण। इसी प्रकार निम्न निम्नांकित मंत्र वाक्यों से मरीची आदि ऋषियों को भी एक एक अंजलि जलते हैं। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम कृतुस्तृप्यताम, ओम वशिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। इसके बाद नंबर तीन है दिव्य मनुष्य तर्पण। दिव्य मनुष्य तर्पण में एक नंबर उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। नंबर दो, जनेऊ को कंठी की तरह कर लें। नंबर तीन, गमछे को भी कंठी की तरह कर लें। नंबर चार, सीधा बैठें, कोई घुटना जमीन पर न लगाएं। नंबर पाँच, अर्घ पात्र में जौ छोड़ें। नंबर छः, तीनों कुशों को उत्तराग्र रखें। प्रजापत्य, ये देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, प्रजापत्य तीर्थ यानी यहाँ से काय तीर्थ से अर्थात कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रख कर यहीं से जल दें, दो दो अंजलियाँ दें। मंत्र क्या पढ़ेंगे? मंत्र ये लिखे हैं, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरस्तृप्यताम, ओम बोढ़ोस्तृप्यताम, ओम पंचशिखरस शिखस्तृप्यताम। इसके बाद ओम दिव्य, नंबर चार है दिव्य पितृतर्पण। पितृतर्पण में नंबर एक, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करें। नंबर दो, अपशब्द हो जाएं अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें, बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठें। नंबर पाँच, अर्घ पात्र में कृष्ण तिल छोड़ें। नंबर छः, कुशों को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें। नंबर सात, पितृतीर्थ यानी चित्र पृष्ठ संख्या 44 जो हमने पहले देख लिया है अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से अंजलि दें, तीन तीन अंजलियाँ दें। उपर्युक्त नियम से प्रत्येक मंत्र से तीन तीन अंजलियों को देने के मंत्र इस प्रकार हैं। मंत्र है, ओम कव्य बाढ़ नलस्तृप्यताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। सोमस्तृप्यताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निस्वात्तः पितरस्तृप्यताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिषधा पितरस्तृप्यन्ताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। नंबर पाँच है यम तर्पण। इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नाम से यमराज को पितृतीर्थ से ही दक्षिणाभिमुख तीन तीन अंजलियाँ दें, यानी दक्षिण की ओर मुँह करके तीन तीन अंजलियाँ दें। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवी नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम विश्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वूतक्षराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दुग्धनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। मनुष्य पितृ तर्पण नंबर छः है मनुष्य पितृ तर्पण। पितरों का तर्पण करने के पूर्व निम्नांकित मंत्रों से हाथ जोड़कर प्रथम उनका आवाहन करें। ओम उशंतस्तवानि धीमह्युसंतः समधीमहि उशन्नुसत आ वह पितृन हविखे अत्तवे। यान्तु नः पितरः सौम्या सोऽग्निखवाता वाताः पतिवृद्धेव यानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्।
यदि ऊपर लिखे वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण संभव ना हो तो यदि ऊपर लिखे वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण संभव ना हो तो निम्नलिखित वाक्यों वाक्य का उच्चारण कर पितरों का आह्वान करें।